हेलो फ्रेंड्स, समटाइम आप एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पर कि आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमेशा इन आउट कनेक्शन में रहता है। ठीक है, वो व्यक्ति जो है कभी भी आपकी बातों पे जो है वो फोकस नहीं करता है, और वो जब भी उसे ज़रूरत होती है वो उस कनेक्शन में इन होता है, यानी कि वो आ जाता है और उसके बाद वो फिर आउट हो जाता है, यानी वो चला जाता है। और आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार ये किस तरह का कनेक्शन चल रहा है जिसमें कि हम कभी भी एक स्टेबल पॉइंट पर नहीं आ पाते हैं, और आपको जब भी ज़रूरत होती है वो व्यक्ति गायब होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में ना ऐसा भी हो सकता है कि या तो वो रियल में ही आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के खुद के ही कुछ फियर और इनसिक्योरिटीज़ हैं, पुराने ट्रॉमास कुछ हो सकते हैं, पुराने रिलेशनशिप के ट्रॉमास हो सकते हैं, जिसके कारण कि वो व्यक्ति आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम हमेशा उसे एकदम झगड़ा करने बैठ जाएं, तो आपको सिचुएशन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिरकार बात ऐसी है क्या जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं एक काउंसलर हूँ, हीलर हूँ और एक टैरो डीलर हूँ, तो रीडिंग के द्वारा भी देख सकते हैं, काउंसलिंग के सेशन में भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा ओपन अप करें और चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सप्रेस करते जाएंगे, सोचेंगे कि हाँ ठीक है वो कल बात कर ली जाए, गाइडेंस कल ले ली जाए, तो वो कन्फ्यूज़न बढ़ती ही रहती है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बढ़ती रहती है। तो इस चीज़ के जो है आप डिले ना करें, किसी से भी सजेशन लें, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे से लीजिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको जो है गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप गाइडेंस लें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये स्टक जो सिचुएशन अगर ऐसी हो जाती है तो कन्फ्यूज़न ही बढ़ती रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।